हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल डीके टेक्निकल सोनी में। फ्रेंड्स, अभी हाल ही में जेएनएम में एडमिशन के लिए स्वास्थ्य विभाग में फॉर्म निकले थे, तो बहुत से बच्चों ने फॉर्म अप्लाई भी किए हैं एडमिशन लेने के लिए जेएनएम में। तो अब उसकी जो कट ऑफ है, इसके अलावा उसका अलॉटमेंट लेटर है, तो वो निकाल दिए गए हैं सिर्फ सरकारी कॉलेजों के लिए। अब जिनका सरकारी कॉलेज में नंबर आया है तो वो अपना अलॉटमेंट लेटर निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, चलिए चलते हैं अपनी वीडियो पे। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड वीडियो को शेयर करना। फ्रेंड्स, तो सबसे पहले आपको गूगल ओपन करना है और वहाँ लिखना है राज स्वास्थ्य, जैसा ये लिखा हुआ है, और आपको सर्च करना है। जैसे आप सर्च करोगे तो आप देख रहे हो यहाँ मेडिकल एंड हेल्थ फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट ओपन होगा, तो इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो एक अगला पेज ओपन होगा जिसका नाम है चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग राजस्थान सरकार। तो ये वेबसाइट का नया पेज ओपन हो जाएगा, वेबसाइट ओपन हो जाएगी। फिर आपको स्क्रॉल से थोड़ा नीचे आना है और यहाँ देखिए ये दिया हुआ है कि जेएनएम प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु ऑनलाइन पोर्टल सत्र 19-20, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो एक अगला पेज ओपन होगा जहाँ लिखा हुआ कि राजस्थान सरकार निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राजस्थान जयपुर जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु ऑनलाइन पोर्टल सत्र 2019। यहाँ एक लाइन चल रही है जेएनएम प्रशिक्षण सत्र 2019 प्रवेश हेतु राजकीय प्रशिक्षण केंद्र को आवंटित छात्र सूची जारी हो चुकी है। आवंटित छात्र राजकीय प्रशिक्षण केंद्र पर 8/11/2019 तक प्रवेश ले सकते हैं। अब यहाँ देखिए जेएनएम प्रशिक्षण सत्र 19-20 में प्रवेश हेतु राजकीय प्रशिक्षण केंद्र को आवंटित छात्रों की सूची जारी हो चुकी है। आवंटित राजकीय प्रशिक्षण केंद्र पर 8/11/2019 तक प्रवेश ले सकते हैं। फ्रेंड्स, ये सिर्फ राजकीय जो प्रशिक्षण केंद्र है उन्हीं की सूची जारी हुई है, अभी प्राइवेट प्रशिक्षण केंद्र की सूची जारी नहीं हुई है। तो आप ये मत सोचना कि अगर आपका प्रथम लिस्ट में नाम आ चुका है और आपको सेंटर आवंटित नहीं हुआ है, आगे आने वाली सूची में आपका सेंटर आपको आवंटित किया जा सकता है प्राइवेट सूची में। तो ये सिर्फ राजकीय प्रशिक्षण केंद्र की सूची जारी की है। यहाँ नीचे लिखा हुआ कि ऑनलाइन विकल्प फॉर्म भरने की प्रारंभ तिथि निजी प्रशिक्षण केंद्र, ये निजी प्रशिक्षण केंद्र है, ठीक है। इसके अलावा ऑनलाइन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि निजी प्रशिक्षण केंद्र 11/11/2019 है, ठीक है। अब आगे देखिए आप ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित विज्ञप्ति, ये विज्ञप्ति है। इसके अलावा यहाँ लिखा हुआ है गवर्नमेंट नर्सिंग स्कूल फर्स्ट प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर फीमेल, और यहाँ है गवर्नमेंट नर्सिंग स्कूल फर्स्ट प्रोविजनल अलॉटमेंट लिस्ट मेल, यानी मेल और फीमेल की अलॉटमेंट लिस्ट जारी कर दी गई है। यहाँ से आप क्लिक कर लिस्ट देख सकते हैं, अपना नाम देख सकते हैं मेल और फीमेल। इसके अलावा नीचे लिखा हुआ है टू डाउनलोड प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर प्लीज क्लिक, यहाँ से आप अपना, अगर आपका नाम इन लिस्ट में आ गया है तो आप अपना अलॉटमेंट लेटर है वो निकाल सकते हैं और अपना एडमिशन ले सकते हैं। तो अलॉटमेंट लेटर कैसे ओपन करना है, सबसे पहले आपको यहाँ क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करते ही नया पेज ओपन होगा, यहाँ आपका जेएनएम एप्लीकेशन आईडी है, जैसे मैं आपको ट्राई करके बताता हूँ जेएनएम, फिर आपका जो भी आगे नंबर दिया गया है वो आएगा, ठीक है। फिर आगे वाला नंबर, इसके बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म किया था फिल किया था उस टाइम जो मोबाइल नंबर दिए थे वो मोबाइल नंबर आएंगे। यहाँ जैसे मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ, ओनली फ्रॉम चेक के लिए, आप लोगों के लिए, ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है मेरा, सिर्फ चेक के लिए है फ्रेंड्स। यहाँ आपका जो मंथ डेट ऑफ बर्थ मंथ है वो आ जाएगा,
फिर लास्ट में ईयर आ जाएगा, फिर नीचे प्रोसेस दिया हुआ है, यहाँ एक बैक और एक प्रोसेस, तो आपको प्रोसेस पे क्लिक करना है। जैसे आप प्रोसेस पे क्लिक करोगे, अगर आपका आवंटित हो गया तो आपको यहाँ पेज शो हो जाएगा और आप उसका प्रिंटआउट ले सकते हो। लेकिन यहाँ मैंने जिसका लगाया है उनका अभी नाम नहीं आया है लिस्ट में। तो इस तरीके से आप अपना आवेदन लेटर है, अपना जो नाम है, नंबर है, वो आप देख सकते हो यहाँ से, इस साइट से। फ्रेंड्स, इस साइट का लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ डाल दूंगा। अगर फ्रेंड्स आपको मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और मेरा चैनल आपको पसंद आया हो, आप प्लीज मेरा चैनल को आप सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और फ्रेंड्स अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करना। फ्रेंड्स, बाय फ्रेंड्स।